हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं सी लैंग्वेज के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई और उसका आज की डेट में भी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो इसको हम लिखते हैं गेटिंग स्टार्ट विद सी। ठीक है, तो देखिए सी लैंग्वेज, जैसे हम लोग कहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज सिंपली आप पहले आप ये समझिए कि जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं या हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस हम लोगों को अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स उसके सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेट से जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं, हम वर्ड से जोड़ के सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, और सेंटेंसेस को ऐड करके फिर क्या करते हैं उससे पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ बन जाते हैं। ठीक, और कई पैराग्राफ्स तो ये पैराग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में क्या होता है कि सी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको सी लैंग्वेज में जो भी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, जो भी अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं वो, जो भी डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज में वो, और जो भी स्पेशल सिंबल जैसे आपका डॉलर साइन हो गया, हैश हो गया, एट द रेट हो गया, ये सारे, और जो भी स्पेशल सिंबल हमारे अलाउड हैं उनको हम सीखते हैं कि मीन्स दीज अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज। उसके बाद क्या करते हैं कि इनके यूज़ से, इनको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, हम या तो कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, ठीक है, या वेरिएबल्स बनाएंगे, और या हम कीवर्ड्स बनाएंगे, कीवर्ड्स, ठीक है। तो और इसके बाद जब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, यानी कई इंस्ट्रक्शन हम लिखना शुरू कर देते हैं सी लैंग्वेज में, क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन से अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं, कौन से डिजिट्स अलाउड हैं, क्या स्पेशल सिंबल हम सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। और उसके जब हमारे पास इतनी नॉलेज हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर हम इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर देते हैं और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। तो ये बेसिक लर्निंग है कि सी लैंग्वेज को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है, वन बाय वन शुरू कीजिए कि कैरेक्टर सेट, जिसको इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग जिसको अल्फ़ाबेट्स में मालूम है कि क्या होते हैं, कैपिटल ए से जेड तक हो गया या स्मॉल ए से जेड तक हो गया, ठीक है। तो अब आ जाइए सी में, तो सी में क्या बोलते हैं उसको, उसमें बोलते हैं सी कैरेक्टर सेट, दैट इज कॉल्ड सी कैरेक्टर सेट, यानी सी में कौन से कैरेक्टर्स यूज़ करना अलाउ है। तो अब इसमें देखिए, हमने तीन चीज़ बात की थी, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। तो देखिए किस में क्या अलाउ है, अल्फ़ाबेट्स में सी लैंग्वेज में आप ए कैपिटल बी से लेकर आप कैपिटल जेड तक यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से लेकर अप टू आप स्मॉल जेड तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अल्फ़ाबेट्स ये अलाउड है सी लैंग्वेज में यूज़ करना। डिजिट्स की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो डिजिट्स हमारे 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट है, 0, 1, 2, 3 से लेकर अप टू 9 तक, ये भी अलाउड है सी लैंग्वेज में। अब स्पेशल सिंबल की जब आप बात करेंगे, तो स्पेशल सिंबल आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आप उसको बुक्स में पूरी डिटेल लिख लीजिएगा, यहाँ लिखने में नेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, जैसे ये है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी ये है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो है इसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर अलाउड है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, डिवीजन साइन है, मीन्स दीज अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से जो नहीं अलाउड है वो हम नहीं यूज़ कर सकते, वो फिर प्रोग्राम आपका एरर दे देगा, ठीक। ये तो हो गया सी कैरेक्टर सेट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स की।
तो देखिए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स की, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट सिंपली एक एंटिटी है दैट डज नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट वो एंटिटी है जो चेंज नहीं होती है। वेरिएबल वो एंटिटी है जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, मतलब चेंज हो सकती है। और कीवर्ड क्या होते हैं, जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, स्पेशल मीनिंग। तो वेरिएबल्स वो जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कॉन्स्टेंट्स वो जिनकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, और कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेशल मीनिंग होती है, और वो मीनिंग सी लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज के कंपाइलर में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, ठीक। यानी उस वर्ड को आप, अभी मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, उस वर्ड को आप यूज़ करेंगे तो उसको कंपाइलर वही काम करेगा। इसको आप यूज़र जो है अपने प्रोग्राम में इसको अपनी तरफ से नहीं यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक ये तीन चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। अब इसमें कॉन्स्टेंट जो होते हैं आपके, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप। एक क्या होता है, एक तो कहलाता है आपका प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होते हैं, पहले हम लोग कांस्टेंट्स की बात करते हैं, तो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है। तो प्राइमरी कांस्टेंट में आते हैं आपके इंटीजर, या इसको हम एक काम करते हैं, आपको हम चार्ट से ही बता देते हैं। मान लीजिए ये सी के अंदर कांस्टेंट्स है, ठीक। अब ये जो सी के कांस्टेंट हैं, दे कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज प्राइमरी प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक। ये हो गया। अब प्राइमरी कांस्टेंट में क्या क्या आते हैं, तो प्राइमरी कांस्टेंट में देखिए आता है आपका, यू कैन से इंटीजर कांस्टेंट हो गया, इंटीजर कांस्टेंट, फिर रियल कांस्टेंट, और तीसरा हो गया आपका कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट में क्या आता है, सेकेंडरी कांस्टेंट में आती है आपकी एरे। आगे चल के हम लोग ये सब पढ़ेंगे, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया और इनम हो गया एट्सेट्रा, ये सेकेंडरी कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें हम लोग बात करते हैं पहला इंटीजर कांस्टेंट की। तो अगर आपको इंटीजर कांस्टेंट बनाना है तो आप करेंगे क्या करेंगे कि पहली बात तो अगर हम जैसे इसको लिखते हैं इसे रूल्स, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। हमें अगर इंटीजर कांस्टेंट बनाना है तो उसके क्या रूल है। पहला रूल तो ये है कि एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। किसी भी इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम एटलीस्ट वन डिजिट होना चाहिए। एक से ज़्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन डिजिट होना चाहिए। सेकंड क्या है कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, नो डेसिमल पॉइंट, ठीक। तीसरा क्या है कि इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चौथा पॉइंट क्या है कि इफ नो साइन प्रिसीड्स एन इंटीजर कॉन्स्टेंट इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव, मतलब अगर कोई साइन, जैसे हमने कहा कि से फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंटीजर कॉन्स्टेंट ऐसे लिखा थ्री, तो थ्री का मतलब ये हुआ बाई डिफॉल्ट ये प्लस थ्री कह रहा है। अगर कोई साइन इसके पहले नहीं है
इसका मतलब 3 का मतलब प्लस 3 है। अगर निगेटिव देना होगा तो वो ऐसे लिखेगा -3, अदरवाइज अगर कोई से आपने लिखा 5, इट का इसका मतलब किसी लैंग्वेज में इसका मतलब ये होगा कि ऑटोमेटिकली दिस इज +5। ठीक, ये हो गया इसका चौथा रूल। पांचवा रूल क्या है कि नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अर इंटीजर कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटीजर कॉन्स्टेंट बनाया, आपने कहा कि से इस तरह से मान लीजिए से 452, दिस इज एन इंटीजर कॉन्स्टेंट। ठीक, लेकिन अगर इसी को आप ऐसे लिख देंगे 4,52, या आप ऐसे 4 फिर आपने थोड़ा स्पेस दे दिया फिर आपने लिखा 52, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर इंटीजर कॉन्स्टेंट के अंदर कॉमास या ब्लैंक्स ये अलाउड नहीं होते हैं। ठीक, और लास्ट लास्ट क्या है इसका कि इंटीजर कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, अलाउएबल रेंज, मतलब कितना बड़ा से बड़ा नंबर आप और कितना छोटे से छोटा नंबर आप इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं सी के अंदर, तो अलाउएबल रेंज जो होती है इसकी, ये होती है माइनस के, आप इसको नोट कर सकते हैं, 2147 483 683 2147 483 648, माइनस के इस नंबर से लेकर और प्लस के इस नंबर तक, 2147 483 647, इससे इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटीजर कॉन्स्टेंट। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होता है कि देखिए ये लैंग्वेज की है वो नहीं है, एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि जो इंटीजर कांस्टेंट जो अलाउबल रेंज है वो आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अलाउबल रेंज जो होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ट्रूली ऑन कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर पे डिपेंड करती है। कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलर वो प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में 1-0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसलिए कहा कि ये अलाउबल रेंज जो डिपेंड करती है वो बेसिकली कंपाइलर पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें विजुअल स्टूडियो की, विजुअल स्टूडियो, ठीक है, या हम बात करें जीसीसी की, तो ये इसके लिए क्या रेंज अलाउड है, इसके लिए जो रेंज अभी हमने ऊपर लिखी है यही रेंज अलाउड है। ठीक, और लेकिन अगर आप टर्बो सी, इफ यू आर यूजिंग टर्बो सी, ठीक है, या आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, आप ये लैंग्वेज का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये रेंज हो जाएगी आपकी माइनस के 3,2,7,6,8 से लेकर और प्लस के 3,2,7,6,7 तक। तो इसीलिए हमने इसको लिखा है कि जनरली अलाउबल रेंज जो है वो डिपेंड करती है कंपाइलर पे। अगर आप विजुअल स्टूडियो और जीसीसी और ये कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तब तो यही रेंज होगी इंटीजर कॉन्स्टेंट की, लेकिन अगर आप टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो अब डिपेंडिंग अपॉन दीज रूल, अगर हम एग्जाम्पल बात करें कि कुछ इसके इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल हम लिखे, तो इंटीजर कांस्टेंट आपका इन रूल्स को होल्ड करते हुए अगर हम लिखते हैं, तो जैसे इसके एग्जांपल हो गए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा से 426, एक ये इंटीजर कांस्टेंट हो गया, हमने इस तरह लिखा प्लस का 782, ये हो गया, हमने लिखा माइनस का से 8134, ये हो गया, हमने लिखा माइनस का 7605, ये हो गया, ये कुछ इंटीजर कॉन्स्टेंट के इंटीजर कांस्टेंट की एग्जांपल हो गई। ठीक, अब ये तो हो गया इंटीजर कांस्टेंट बारे में। अब हम लोग बात करें कि रूल्स फॉर रियल कांस्टेंट। ठीक है, नाउ वी राइट रूल्स फॉर रियल कांस्टेंट। ठीक है, तो रियल कांस्टेंट के जो रूल होते हैं, इसके रूल देखिए, पहला क्या है, पहला वही चीज है, एटलीस्ट वन डिजिट, कम से कम एक डिजिट जरूर होना चाहिए अगर रियल कांस्टेंट है तो, इंटीजर की तरह से ही। दूसरा क्या है,
इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, मतलब जरूरी है नहीं कि हो सकता है, नहीं, इट मस्ट हैव, ये ध्यान रखिएगा, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है तभी वो रियल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तीसरा क्या है कि ये भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। चौथा रूल क्या है इसके लिए कि बाय डिफॉल्ट यानी डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, वही जो अभी हमने एग्जांपल दिया था इंटीजर केस में, मान लीजिए हमने ऐसा लिखा कि 2.0, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब हुआ प्लस का 2.0, अगर निगेटिव होगा तो माइनस लगाएंगे, अगर कोई साइन नहीं है यहाँ पे इसका मतलब कि प्लस है। ठीक, फिफ्थ रूल क्या है इसका कि नो कॉमाज और ब्लैंक्स आर अलाउड, तो इसमें भी कोई कॉमा, नो कॉमा या ब्लैंक अलाउ होता है, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल हम लिखे हैं, तो मान लीजिए हमने कहा फॉर एग्जांपल इस तरह के, तो कुछ भी आप लिख लीजिए, जैसे आपने कहा प्लस का 324.27, ये हो गया, फिर आपने कहा 425.0, ये हो गया, फिर आपने कहा माइनस का 32.7374, ये हो गया, फिर आपने कहा माइनस का 48.5132, ये हो गया। यानी इन रूल्स को फॉलो करते हुए ये कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, ये रूल्स वॉलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो आपका जो कांस्टेंट आएगा वो रियल कांस्टेंट होगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज, तो मतलब कि जैसे ये जो हमने ये लिखा है, हमने वैल्यूज लिखी है, अब मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कहा कि कोई रियल कांस्टेंट हमने बनाया, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है सपोज कीजिए 0.000342, ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.42 × 10⁻¹, कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 10⁻⁴, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो इसी यही वो कह रहा है कि जनरली जो है, अगर आपकी जो रियल कांस्टेंट की वैल्यू अगर टू स्मॉल है या टू लार्ज है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टू स्मॉल है तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, और अगर टू लार्ज है तो उसको हम दूसरे तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से आप रियल कांस्टेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो है, अगर आप इसको अपने रियल कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप रियल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें आपको फिर इन रूल्स का ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए ये बेसिक चीज़ें अगर नहीं क्लियर होती हैं तभी आदमी को प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती है, वो लॉजिक वगैरह सब कुछ सही रहता है, प्रोग्राम में एरर आती है तो उसका कॉन्फिडेंस गड़बड़ जाता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये सब रूल्स, बेसिक रूल्स जो है ये एकदम क्लियर रखिए। अब देखिए अगर रियल कांस्टेंट को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों करते हैं, अगर वैल्यू टू स्मॉल है या टू लार्ज है, और अगर हम रियल कांस्टेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स, रूल हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या, पहला, द मेंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाई ए लेटर ई और ई। अच्छा, पहले हम आपको बता दें, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली थी 0.00342 था, इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया था 3.42 × 10⁻⁴ था, ऐसे था, तो ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है मेंटिसा। ये फ्लोटिंग पॉइंट की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, उसको आप देख लीजिए, अदरवाइज यही समझ लीजिए, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। तो पहला रूल ये कह रहा है कि मेंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट जो है दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई ई और ई, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट, सॉरी
रियल कांस्टेंट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे 3.42 ई माइनस 4 इस तरह, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो इसकी मीनिंग ये हुई, ऐसे लिखेंगे हम, लेकिन सी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 3.42 ई की पावर माइनस 4, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मैंटिसा पार्ट में है वे पॉजिटिव और निगेटिव, यानी मैंटिसा पार्ट जो है इसमें वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तीसरा क्या है, डिफॉल्ट साइन, फिर वही चीज आ गई, डिफॉल्ट साइन अगर साइन नहीं मेंशन है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये जैसे आपने इस तरह लिखा है इसका मतलब ये प्लस का 3.42 ई की पावर माइनस 4 है, ठीक। नेक्स्ट रूल क्या है इसका, कि द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट विच मस्ट बी ए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर और डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, तो एक्सपोनेंट में कम से कम एक डिजिट जरूर होना चाहिए, एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन एक डिजिट होना चाहिए एक्सपोनेंट में कम से कम। अब आपने ऐसा नहीं कोई नंबर आपने लिखा इस तरह, किसे आपने कहा कि 3.14 इन ई और आपने लिख दिया यहाँ पे से 0, तो ये नहीं होगा, या आपने लिख दिया 3.14 इंटू ई की पावर माइनस 0, ये नहीं होगा, एटलीस्ट एक डिजिट यहाँ पे होना चाहिए। और रेंज जो होती है रियल कांस्टेंट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रियल कांस्टेंट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रेंज होती है वो होती है माइनस के 3.4 ई 38, आप ये सोचिए कितनी लंबी रेंज, टू 3.4 इंटू ई की पावर 38, देख रहे हैं, यानी इतना बड़ा नंबर जो है, यानी जो नंबर मान लीजिए इंटीजर कांस्टेंट में नई रेंज में से बाहर का हो उसको आप रियल कांस्टेंट की तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसको अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग लिखें तो माइनस का 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 38 से और प्लस का 3.4 इंटू 10 टू द पावर प्लस के 38, इतने बड़े छोटे नंबर को आप, इस रेंज के नंबर को आप सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि रियल कॉन्स्टेंट की कुछ एग्जाम्पल, तो मान लीजिए इसको हम यही लिख देते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके क्या से, सपोज कीजिए हमने कहा इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम मेंशन करें से एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा प्लस का 3.2 ई और ई और आपने लिख दिया माइनस 5, या आपने दूसरा लिखा 4.1 इंटू ई की पावर 8, या आप ऐसे निगेटिव में भी लिख सकते हैं माइनस का 0.2 ई और चाहे स्मॉल ई यूज कीजिए प्लस का 3, या आप और ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 3.2 ई माइनस 5, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए रियल कांस्टेंट के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्लियर। अब उसके बाद आपका एक रह गया कैरेक्टर कांस्टेंट, तो कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में हम लोग, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ये लेक्चर लंबा हो गया है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप पूछिए। इसको देखिए, इसके बेसिक को अगर आप मजबूत करके चलेंगे तो आगे फिर प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी और प्रोग्राम करने बनाने में भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अवेलेबल होगी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।